पूरी दुनिया में धीरे धीरे कोरोना वायरस का कहर बढ़ते ही जा रहा है। दुनिया भर के देश इस वायरस से लड़ने के लिए हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। भारत में भी इस वायरस की पकड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक पूरे भारत में करीब 130 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और कोरोना वायरस का खतरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। पूरी दुनिया में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पहले 5 दिनों के भीतर शरीर में 3 खास लक्षण आने पर कोरोना वायरस की शिकायत हो सकती है। और इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं 3 खास लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप में भी ये 3 खास लक्षण दिखाई देते हैं तो जरूर आप कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं। जर्नल एनल ऑफ इंटरनल मेडिसिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के 3 खास तरह के लक्षण पहले 5 दिनों के अंदर सामने आ जाते हैं। और पहले लक्षण की अगर बात करें तो अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद पहले 5 दिनों में इंसान को सूखी खांसी आनी शुरू हो जाती है और दूसरे लक्षण में मरीज को तेज बुखार चढ़ने लग जाता है और उसके शरीर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब तक हेल्थ एक्सपर्ट कोरोना वायरस में तेज बुखार चढ़ने का दावा कर चुके हैं और ये दूसरा बड़ा लक्षण है जिनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हो सकती है। तीसरे लक्षण की अगर बात करें तो कोरोना वायरस की शिकायत होने पर पहले 5 दिनों में इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सांस की समस्या फेफड़ों में बलगम फैलने की वजह से होती है। नेशनल हेल्थ सेंटर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोरोना वायरस में यही लक्षण होने का दावा किया था। इसमें बदन दर्द और जुकाम जैसी समस्याओं के बारे में बताया गया था। अगर आप में भी अगर ये 3 लक्षण दिखाई देते हैं तो जरूरी अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और इस वायरस को बढ़ने से रोकें। दीप्रवांशल, ब्यूरो रिपोर्ट।